महाशिवरात्रि को लेकर दुमका से भाजपा सांसद सुनील सोरेन जामताड़ा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने राजबाड़ी शिव मंदिर में माथा टेका और क्षेत्र के लोगों की उन्नति और विकास के लिए भगवान शिव से प्रार्थना किया। वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हरिमोहन मिश्रा ने शिव मंदिर पहुंचकर शिव बारात में पहुंचकर श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन किया और भोले शंकर से कामना की कि क्षेत्र में शांति और विकास बरकरार रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सुनील सोरेन ने क्षेत्रवासियों को शिवरात्रि की शुभकामना दी, जिसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा देवघर में हुए घटना की निंदा करते हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिंदू विरोधी हैं। वहीं जिस प्रकार उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है और हिंदी भाषा को हटाने का काम किया है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये सरकार जनता विरोधी है, जिसका हम विरोध करते हैं। वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हरिमोहन मिश्रा ने सांसद सुनील सोरेन पर पलटवार करते हुए कहा कि सांसद तुच्छ राजनीति करते हैं। आज के दिन भक्ति भाव का दिन है और ऐसे समय में ऐसी भाषा का प्रयोग समझ से परे है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति तो भाजपा वाले करते हैं। तभी जो वर्तमान सरकार है और निश्चित रूप से हिंदू के प्रति उसका जो नज़रिया है, यह बहुत ही ख़राब स्थिति है। आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में किया है और हिंदी को हटाने का काम किया है, इससे यह साबित होता है ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे और यह चलने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से यह सरकार जो है इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। सरकार को जो है इसमें जो है इसका विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। सांसद है, हमारे जो माननीय सांसद हैं, ये तुच्छ राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए। आज के समय में, आज ये पवित्र समय है, पवित्र दिन है, आज राजनीति का समय नहीं है। फिर भी अगर राजनीति की बात हुई है तो मुझे जवाब देना मेरी जरूरी है। मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ। ये सरकार हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी पार्टी से सभी का है। भाजपा के तरह सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है और इसका प्रमाण मैं एक कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, हमारे सब यहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और आज इस शिव पार्वती का जो विवाह सम्मेलन है उसमें मैंने आगे बढ़ के हम लोग भूमिका दे रहे हैं, आगे बढ़ के हैं, तो इसी से साबित होता है कि इस पार्टी का पार्टी और हमारे सभी जितने भी नेता हैं और वो इस शिव विवाह में, राम विवाह में या जितने भी हिंदू समारोह होता है, हिंदू का पर्व त्यौहार होता है, आगे बढ़ के रहते हैं और भाजपा के नेता से आगे बढ़ के और हिंदुत्व के भावना से, नेता के भावना से हट के हिंदुत्व की भावना से काम करते हैं और ये त्यौहार को मनाते हैं, न कि भाजपा के तरह सिर्फ दिखावा करते हैं, छल करते हैं, कभी राम के नाम पर, कभी शिव के नाम पर वोट बटोरते हैं और यूपी में, उत्तर प्रदेश में उनको इसका परिणाम मिल जाएगा।